हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आरसीबी टीम के सारे ही फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है उनके नए प्लेयर विल जैक्स को लेकर। विल जैक्स जिस तरह के फॉर्म में है, जिस तरह से पारी खेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें शायद वो ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं आईपीएल 2023 में आरसीबी टीम के लिए। उनका बल्ला खूब बोल रहा है साउथ अफ्रीका टी20 लीग में, जिसे हम मिनी आईपीएल भी कह रहे हैं। अगर वहाँ पर प्लेयर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आईपीएल 2023 में भी वो अपने बल्ले या फिर गेंद से कमाल करेंगे। दोस्तों क्या है खुशखबरी, आगे जानेंगे इस वीडियो में हम। विल जैक्स को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा कर रख लीजिए, ताकि ऐसे ही आरसीबी टीम से जुड़ी आपको हर एक अपडेट लगातार मिलती रहे। वहीं ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन करके रख लीजिए। वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाओ उसे भी ज्वाइन कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2023 की शुरुआत, जैसा कि हम सभी को पता है, एंडिंग मार्च या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग वीक से हो जाएगी। हालांकि अभी तक कुछ भी ऑफिशियल डेट्स निकलकर सामने नहीं आई है, बस रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें ये माना जा रहा है कि एंडिंग मार्च से आईपीएल 2023 की शुरुआत होने वाली है। पहला मुकाबला किसके बीच में देखने को मिलेगा, पूरा शेड्यूल क्या होगा, ये भी बहुत जल्दी हम सभी के सामने आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में आरसीबी टीम की। तो दोस्तों आरसीबी टीम ने आईपीएल 2023 के मिनी ऑप्शन से जो है विल जैक्स को अपने स्क्वाड में शामिल किया था, जो कि इंग्लैंड के एक युवा ऑलराउंडर हैं। ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, इसके अलावा बल्लेबाजी में किसी भी पोजिशन पर खेल सकते हैं, ये उनकी खासियत है। फिलहाल विल जैक्स प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं मिनी आईपीएल, जिसे हम कह रहे हैं साउथ अफ्रीका टी20 लीग में। अब भाइयों इस लीग में अभी तक के उनके प्रदर्शन की बात करें हम, तो पहले मैच में 4 गेंद 6 रन, दूसरे मैच में 46 गेंद 92 रन, तीसरे मैच में 13 गेंद 16 रन, चौथे मैच में 16 गेंद 34 रन और पांचवें मैच में 25 गेंद में 56 रन बनाए। ये मैच हाल ही में खेला गया है, 5वां मैच उनका। और इस मैच में खास बात ये रही कि टारगेट उनकी टीम के लिए बेहद कम था, करीब 100 के अंदर ही था, लेकिन इसके बावजूद भी विल जैक्स ने अपना आक्रामक रवैया जारी रखा और सिर्फ 21 गेंदों में 50 का आंकड़ा पार कर लिया। 25 गेंदों में कुल 56 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें दोस्तों उन्होंने 4 छक्के और 5 चौके भी लगाए। तो कहीं ना कहीं विल जैक्स की ये पारी देखते हुए आरसीबी टीम मैनेजमेंट और उनके सारे फैंस बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्हें खरीद कर आरसीबी टीम ने बिल्कुल भी गलती नहीं की है। उन्हें टीम में खेलने का मौका भी मिल सकता है, एज अ ओपनर भी उन्हें चांस दिया जा सकता है। अगर वो कंफर्टेबल रहते हैं बीच में खेलने के लिए, मिडल में खेलने के लिए, तो वहाँ भी उन्हें मौका मिल सकता है। तो भाइयों विल जैक्स को लेकर बड़ी खुशखबरी है। वहीं इसके अलावा, इन सभी चीज़ों के अलावा, वो जो है साउथ अफ्रीका टी20 लीग में अभी तक हाई स्कोरर रहे हैं। 5 मैचों में उन्होंने सबसे ज़्यादा इस लीग में रन्स बनाए हैं, 204 रन्स, वो भी 196.15 की खतरनाक स्ट्राइक रेट के साथ। तो कहीं ना कहीं जैक्स का प्रदर्शन जो है आरसीबी टीम मैनेजमेंट में एक राहत की सांस दे रहा है, एक नए ओपनर के लिए, एक नए ऑलराउंडर के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।